ए, ये क्या तू रोज के रोज ये सारा कचरा मेरे घर के आगे फैला देती है? अरे, जरा सा कचरा उड़ गया तो इसमें इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो खुद झाड़ू क्यों नहीं लगा लेती? सब समझ रही हूँ मैं तेरी चालाकी। जब भी तुझे मेरा आंगन साफ दिखता है तू जानबूझकर सारा कचरा इधर कर देती है। हाँ, क्या उड़ाया मैंने कचरा? अब बोल, क्या कहना पड़ रहा है तेरा? तेरी इतनी हिम्मत! एक तो कचरा करती है, ऊपर से मुझे धमका रही है। तुझे तो मैं अरे अरे अरे, रुको भाग्यवान, जरा रुको, झगड़ा मत करो। मैंने सब सुन लिया, वो सच कह रही है, हवा से ही कचरा इधर आया होगा। चलो चलो, अब छोड़ो ये सब बातें, आओ आओ अंदर चलो। जमींदारी खत्म हो गई पर फिर भी अकड़ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। भाग्यवान, क्या तुम भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाती हो? मैं क्या करूं जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कितने बुरे दिन आ गए हमारे। जो लोग कल तक हमारे सामने सर तक नहीं उठाते थे, आज वो छाती पे चढ़ के बोलते हैं। अब क्या करें भाग्यवान, सब समय का खेल है। खैर छोड़ो, मैंने इस हवेली को बेचने के लिए ग्राहकों को बुलवाया है। आज कुछ लोग हवेली देखने आएंगे। भगवान करे बस एक बार ये हवेली अच्छे दामों में बिक जाए, फिर हम सारा पैसा लेकर कहीं दूर जाकर चैन से रहेंगे। जमींदार जी, ओ जमींदार जी, अरे कोई घर में है? हाँ 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 आइए आइए। हवेली तो बहुत खराब हो गई है, सच कहूँ तो यह हवेली कम और खंडर ज्यादा लगती है। जमींदार जी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं इस हवेली के 50,000 तक दे सकता हूँ। अगर आपको सौदा पसंद है तो मैं आपको अभी टोकन दे देता हूँ। क्या क्या कहा तुमने, बस 50,000? अरे क्या तुम नशा करके आए हो? ये हवेली कम से कम 50 लाख की है। अरे क्या जमींदार साहब, आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे ये हवेली नहीं ताज महल हो। इस टूटी फूटी हवेली से तो अच्छा मेरे घर का शौचालय है। कभी आइएगा जरूर। क्या कहा? निकल जा मेरे घर से, निकल जा, अभी के अभी निकल जा। नहीं बेचना हमें तुझे घर, निकल यहाँ से। अरे बाप रे, इस टूटे घर में तो एक पागल औरत भी रहती है। अरे रुको भाग्यवान, रुको, जाने दो इसे, भागो यहाँ से। अरे देखा ना अपने, वो कैसे हमारे घर के बारे में अनाप शनाप बोले जा रहा था। कितनी सारी यादें जुड़ी है हमारी इस घर से। वो तो आप इस घर को बेचने की बात करते हैं, वरना मैं किसी भी हाल में इस घर को बेचना नहीं चाहती हूँ। अब देखो भाग्यवान, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे भले के लिए ही तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कहीं से भी बात नहीं बन रही। अब तो हमें बस ऊपर वाले का ही सहारा है। बस अब बहुत हुआ। हे ऊपर वाले, तू ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें ऐसे दिन दिखा रहा है? ये क्या है? अच्छी, सुनिए, जल्दी जल्दी इधर आइए। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? कहीं तुमने कोई छिपकली या कोई कॉकरोच तो नहीं देख लिया? हैं, जी आप ये देखिए। ये क्या है? ये तो कोई खुफिया दरवाजे का लीवर मालूम पड़ता है। हटो, देखो तो जरा। अरे बाप रे, हमारे घर में खुफिया कमरा भी था और हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। चलिए जी, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो।
भाग्यवान तुम देखो तो सही, ये तो खजाने के बक्से मालूम पड़ते हैं। चलो इन्हें खोलकर देखते हैं। ये क्या खाली बक्से? अजी ये तो सभी खाली है, अब हम क्या करें? देखो भाग्यवान मुझे क्या मिला है। हाँ इतना सुंदर है। चलो भाग्यवान कुछ तो मिला ना से। हाँ भली। चलो अच्छा है भाग्यवान, भगवान ने हमारी सुन ली, ज्यादा नहीं लेकिन कम तो सुनी। अब मैं जल्दी से जाकर इसे बेच कर आता हूँ, जो भी पैसा मिलेगा उससे हम नया व्यापार शुरू करेंगे। नहीं नहीं जरा रुकिए, इस तरीके से तो हमारे हाथ कुछ ही पैसे आएंगे, और रही व्यापार की बात तो उसका क्या भरोसा, चले या न चले, हमें व्यापार की समझ है कहाँ। तो तुम्हारा मतलब क्या है, मैं इसे नहीं बेचूं? अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, गहना देखकर तुम्हारा मन इसे पहनने को कर रहा है, सही कहा ना? क्या आपने मुझे इतनी साधारण औरत समझा है? अच्छे दिनों में मैंने जी भर कर ओढ़ा पहना है, अब इसे गले में लटका कर घूमने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वो तो मैं इससे एक बड़ा धमाका करने की सोच रही हूँ जी। भाग्यवान तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहती? आप तो बस ये हार मुझे दे दीजिए और फिर देखिए मैं इसका क्या करती हूँ। आजकल तो ये जमींदारनी कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर रही है, ये पास इतना पैसा कहाँ से आया, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। अरे भाभी मैंने सुना है कि आप अपना घर बेचकर जाने वाले हैं। देखा, जाने वाले है नहीं है, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, तुम किसी से कहना मत। हाँ हाँ बताओ बताओ। अरे आजकल तुम देख ही रही होगी ना मैं कितनी कुछ खरीदारी कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी हवेली में हमें खजाना मिला है, खजाना। और तुम्हें पता है पूरी हवेली में जगह जगह गुप्त तहखाने हैं और उनमें भी खजाना है। अब देखो हम तो ठहरे दो पति पत्नी, और वैसे भी हमें ज्यादा का लालच तो है नहीं, इसीलिए मैंने जमींदार जी से साफ साफ कह दिया कि अब हमें ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मिल गया बस वही बहुत है, नहीं तो जितना धन खोजेंगे उतना मिलता ही जाएगा और उस धन को हमें फिर से छुपाना होगा, इससे अच्छा तो उसे खोजे ही नहीं। अच्छा क्या आप सच बोल रही हो, और नहीं तो क्या, चलवा मैं चलती हूँ अब। लेकिन ध्यान रखना तो ये बात किसी और को मत बताना, नहीं तो लोग हमारा घर खरीदने आ जाएंगे, जबरन गले पड़ेंगे और 10 गुना ज्यादा कीमत का लालच देंगे, फिर मजबूरी में हमें हमारी प्यारी हवेली बेचनी पड़ेगी। अच्छा चल अब मैं चलती हूँ। बेवकूफ औरत, अपने पैरों पर तूने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अब तू देख सरपंच की पत्नी हूँ, दिमाग तो बहुत चलता है मेरा। अरे सरपंच जी आइए आइए, कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं जमींदार जी, तुम तो देख ही रहे हो ना हमारा घर कितना छोटा है, अभी कभी तो मुझे नजर ही नहीं आता। अब वैसे भी तुम तो ये घर बेचने ही वाले हो ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खरीद लूं, मेरी भाग्यवान का सपना भी साकार हो जाएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमें ये घर नहीं बेचना।
ऐसा मत कहो भाभी जी, मैंने तो आपके घर की छत पर कपड़े सुखाने का सपना भी देख लिया। अब ऐसे में आप मना कर देंगे तो मेरा सपना तो टूट जाएगा। अरे भाभी जी आप रोइए मत, भाग्यवान तुम क्या कर रही हो, इसमें इनकी कोई गलती थोड़ी है। अब जब हमने बेचने का बोल ही दिया था तो ये तो कपड़े सुखाने का सपना देखेंगी ही ना। अब मैं क्या कहूँ जी, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे रोने लग जाएगी। अब मुझसे इनका रोना नहीं देखा जाता। ठीक है जी, दे दो इनको ये घर, लेकिन मैं इस घर के पूरे 50 लाख रुपए लूंगी, एक भी पैसा कम नहीं होगा। हाँ हाँ तो ठीक है जी, मैंने अभी अपनी पुश्तैनी जमीन बेची है जिससे मुझे पूरे 50 लाख रुपए मिले हैं। अब मैं क्या कहूँ जी, आप तो हमारे पड़ोसी जो ठहरे। तो ठीक है जमींदार जी, सौदा पक्का, ये लीजिए पूरे 50 लाख रुपए। अब जरा आप मुझे अपने घर के पेपर दे दीजिए। अच्छा सरपंच जी, ये रहे आपके पेपर, चलो अब हम चलते हैं अपनी नई मंजिल की ओर। जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। चलो चलो चलो, अब हम खजाना ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। वाह भाग्यवान वाह, कल तक जिस हवेली के हमें कोई 50,000 से ज्यादा देने को राजी नहीं था, आज तुमने अपनी सूझबूझ से उसी हवेली के पूरे 50 लाख वसूल लिए। मानना पड़ेगा तुम्हारी चतुराई को तो दाद देनी होगी।